आपका नाम? मेरा नाम रामबिलास यादव है। आप कहाँ से आए? मैं खारबेटिया, वैसे स्कूल मेरा खारबेटिया है, ये अंडर डीआईएस मंगल जी है, मैंने ब्लॉक जो है मेरा वो दलगांव सियालमाड़ी है। दलगांव सियालमाड़ी तरंग जिला में पड़ता है और असम के अंदर तो है ही। तो आपको यहाँ के जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट शिक्षा का आईसीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, इसमें आपका अनुभव कैसा रहा? इसमें मेरा जो कुछ मैंने देखा है और सीखा है यहाँ, उसमें मेरा अनुभव तो अच्छा है। वैसे जो आज जिस तरह का समय है, उस समय में ये हमारे जो पहले की शिक्षा नीति है या शिक्षा पद्धति जिस तरह से चल रही है, उसमें सुधार की जरूरत थी। और ये हमारे आईसीटी वाली शिक्षा जो है, प्रोजेक्ट शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जा सकता है। वो हमारे विद्यार्थियों को, शिक्षकों को भी थोड़ा सुविधा हो सकता है सिखाने में, यदि वो ट्रेंड हो जाए, अशिक्षित हो जाए, और छात्रों को भी इससे काफी लाभ हो सकता है। साथ ही साथ हमारे बच्चों को जो नई पीढ़ियां है, उसको जो है सो हमारे ये जो संसार जिस तरह से विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उस तरह से हमारे भी जो आने वाली पीढ़ियां हैं या अभी के जो बच्चे हैं, वो पीछे नहीं रह पाए, तो इसका महत्व मुझे काफी अधिक दिखाई देता है। और इसमें ये भी है कि पहले वाली जो शिक्षा पद्धति है, उसमें हमारे बच्चे जो हैं सो सीखते ही जाते हैं, कुछ देख नहीं पाते हैं। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में जो है सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल जैसा, माने आभासिक जैसा, व्यावहारिक दिखाई देता है, जिससे उनका ज्ञान थोड़ा सा ठोस और पक्का। आप उन शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी तक मतलब कि पुराने जमाने के जो सीखने और सिखाने के तौर तरीके हैं वो अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं? और ठीक है, मैं यहाँ से जब लौटूंगा तो अपने शिक्षकों को जो हमारे विद्यालय में है, साथ ही साथ हमारे इर्द गिर्द जहाँ जो शिक्षक हमारे पहचान के, जिन्हें मैं शिक्षक के रूप में जानता हूँ, उन्हें यह संदेश देने की कोशिश करूँगा कि हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति है, जिसमें काफी मेहनत की जरूरत होती है, अध्यापकों को भी मेहनत होता है, या अध्यापक यदि आजकल हमारे ध्यान नहीं देते, यदि तो बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, उसमें जो है काफी समय की जरूरत होती है, काफी समय लेते हैं बच्चे, और समय लेने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी, उनका विकास या उनका जो मानसिक वो शक्ति है व मानसिक जो विकास है, उतना अधिक नहीं हो पाता है। आजकल जिस तरह से दुनिया में चलने की जरूरत है, उस तरह से हमारे पुरानी पद्धति हमारी इसमें हेल्पफुल, मैंने सहायक नहीं, लेकिन हम अपने शिक्षकों को यह कहेंगे कि उन पद्धतियों को छोड़ कर अब नई पद्धति को अपनाएं, ताकि बच्चों का विकास, अध्यापकों को भी घर पर तो मेहनत करना पड़ सकता है, कैसे क्या प्लान बनाएंगे या जो कुछ तैयारी करेंगे, लेकिन बच्चे जो हैं सो कम समय में, कम परिश्रम से अधिक लाभान्वित होंगे। इसलिए मैं ये संदेश दूंगा, पुरानी पद्धति को छोड़ करके और नई पद्धति को, ये न्यू टेक्नोलॉजी शिक्षा जो है उसकी मदद से या उसके द्वारा शिक्षा प्रदान करें। धन्यवाद।